नमस्कार साथियों। चलिए तो हम लोग पिछले लेक्चर में बात कर चुके एमपी स्पेशल के सेकेंड लेक्चर को, दूसरे लेक्चर को राज्य पुनर्गठन के बारे में। अब इस लेक्चर में बात करते हैं हम लोग जनसंख्या के बारे में, मध्य प्रदेश की जनसंख्या। ठीक है, मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना 1881 में हुई, याद रखना। मध्य प्रदेश की प्रथम जनगणना कब हुई? 1881 में। मध्य प्रदेश की पंद्रहवीं जनगणना 2011 में हुई। जनगणना कार्य प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात किया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना 21वीं सदी की प्रवेश की पहली जनगणना थी। ठीक है, जनगणना संबंधी कार्य भारत सरकार द्वारा किए जाते हैं। जनगणना कार्य जनसंख्या अधिनियम 1948 के अनुसार किया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। साक्षरता दर में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। 11 मई को मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिए, मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को, और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। आगे बात करते हैं हम लोग 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 हो गई। यह देश की कुल जनसंख्या का 6% है। कितना? 6% है। जबकि प्रदेश का क्षेत्रफल 308,252 वर्ग किलोमीटर यानी कि 308,252 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल का है 9.38%। पिछले एक दशक में प्रदेश की आबादी 20.35% का इजाफा हुआ। संक्षिप्त में मध्य प्रदेश के आंकड़े देखें हम, तो प्रशासनिक इकाइयाँ 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों में 10 संभाग, 50 जिले, 342 तहसीलें, 476 टाउन और 54,903 गांव हैं। 51वां जिला आंकड़ों के प्रकाशन के बाद बना, याद रखिए, और 52वां जिला भी निवाड़ी बाद में 2018 में बना। अब बात करते हैं जनसंख्या के बारे में। मध्य प्रदेश की जनसंख्या के बारे में बता, आप लोगों को एक और जानकारी दे दें कि हम लोग भारत की जनगणना से संबंधित सभी तथ्य मिलाकर एक लेक्चर बना चुके हैं, बात कर चुके हैं, और वो आपको स्पेशल वीडियो फॉर आईएएस पीसीएस में मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे उसकी लिंक, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, उसे ज़रूर देख लें, जनगणना से संबंधित है। ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल व्यक्तियों की संख्या है 7,26,26,809। इसमें पुरुषों की संख्या है 3,76,12,306 और महिलाएं हैं 3,50,14,503। अब 2001 की और 2011 की जनगणना में तुलना कर लें, तो जनसंख्या की बात करें तो 2011 में 7,26,26,809 और 2001 में कितनी थी जनसंख्या? 6,03,48,023। जनसंख्या वृद्धि 2011 में है 20.3% और 2001 में कितनी थी? 24.26%। लिंग अनुपात 2011 में कितना है? 931 और 2001 में कितना था? 920। याद रखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात है 931। लिंग अनुपात नगरीय है तो 918 है 2011 का, और 2001 में था 898। लिंग अनुपात ग्रामीण की बात करें तो 936 है 2011 में की जनगणना के अनुसार, और 2001 की जनगणना के अनुसार था 927। शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो 918 है 2011 की जनगणना के अनुसार,
और 2001 की जनगणना के अनुसार था 932। साक्षरता की बात करें तो 69.3% है 2011 की जनगणना के अनुसार, और 2001 की जनगणना के अनुसार 63.7% था। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 78.7% है 2011 की जनगणना के अनुसार, और 2001 की जनगणना के अनुसार 76.1% था। साक्षरतर महिलाओं की बात करें तो 2011 में की जनगणना के अनुसार 59.2% है, और 2001 की जनगणना के अनुसार थी 50.3%। ठीक है, हम बात करते हैं जनसंख्या 0 से 6 वर्ष के बीच। 2011 में थी 1,08,09,395 और 2001 की जनगणना के अनुसार थी 1,07,82,214। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है इंदौर, जिसकी आबादी है 32,76,697। कितनी है? 32,76,697। जबकि सबसे कम जनसंख्या है हरदा जिले की, 5,70,465। कितनी है? 5,70,465। आगे बात करते हैं, अब देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिलों की देख लें तो सबसे ज़्यादा है इंदौर में, फिर जबलपुर, फिर सागर, भोपाल और रीवा। पांच जिला कौन कौन से सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाले? इंदौर, जबलपुर, सागर, भोपाल, रीवा। न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले कौन से हैं? हरदा, उमरिया, शिवपुर, डिंडोरी और अलीराजपुर। याद रखिए अलीराजपुर, हरदा, उमरिया, शिवपुर, डिंडोरी, अलीराजपुर। अब लिंगानुपात की बात करें हम लोग, 2011 की जनगणना, 2011 की जनगणना के मुताबिक प्रदेश में 85,000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 931। याद रखिए 2011 की जनगणना में जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंगानुपात है 931, अर्थात मध्य प्रदेश का लिंगानुपात 1,931 है, मतलब 1,000 पुरुषों पर 931 महिलाएं। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है बालाघाट। याद रखिए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट, जहाँ 85,000 पुरुषों पर 1,021 महिलाएं हैं। जबकि प्रदेश का भिन्न जिला न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है, जिसमें 85,000 पुरुषों पर मात्र 838 महिलाएं ही है। चिंतनीय पहलू यह है कि प्रदेश में 6 वर्ष तक के बच्चों में लिंगानुपात है 918 के अंतर में कमी आई है। ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 936 और शहरी लिंगानुपात 918। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो बालाघाट 1021, बालाघाट 1021, अलीराजपुर 1011, मंडला 1008, डिंडोरी 1002, झाबुआ 990। अब निम्न न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें तो भिंड का है 837, मुरैना 840, ग्वालियर 864, दतिया 873, शिवपुरी 877। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों की बात करें 0 से 6 वर्ष आयु समूह के वर्ग की, तो अलीराजपुर इसमें शामिल है, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी। न्यूनतम लिंगानुपात देखें 0 से 6 वर्ष वालों की तो मुरैना है इसमें न्यूनतम, फिर है ग्वालियर, भिंड है, दतिया है, रीवा है। अब जनसंख्या घनत्व की बात करें मध्य प्रदेश के, जनसंख्या घनत्व मध्य प्रदेश का तो 2001 की जनगणना के में मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व था 196, ठीक है 196, जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 236 हो गया, 236। प्रदेश का सर्वाधिक घनत्व वाला जिला है
भोपाल 855, जबकि सबसे कम जनसंख्या वाला जनसंख्या घनत्व वाला जिला है डिंडोरी 94 है यहाँ। ठीक है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का क्रम देखें तो भोपाल में है 855, इंदौर में है 841, जबलपुर में है 473, ग्वालियर में है 446, मुरैना में है 394। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो डिंडोरी है 94, शिवपुर है 104, पन्ना में है 142, बैतूल में है 157, रायसेन और रीवा सिवनी में है 157। अब बात करें हम लोग साक्षरता की, मध्य प्रदेश की साक्षरता। मध्य प्रदेश की साक्षरता जहां 2001 में 63.7% थी, वहीं 2011 में की जनगणना में यह बढ़कर हो गई 69.32%, जिसमें पुरुषों की साक्षरता है 78.73%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर है 59.24% हो गई। प्रदेश का जबलपुर जिला 81.1% शीर्ष पर है, जबकि अलीराजपुर सबसे नीचे पीछे है। ठीक है, साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा कहाँ है जिले में, जबलपुर में, और सबसे कम है अलीराजपुर। एवं 2011 की जनगणना में साक्षरता दर प्रतिशत की बात करें तो व्यक्ति की बात करते पहले टोटल 2001 में थी 63.7%, 2011 में हो गई 69.32%। पुरुषों की बात करें तो 2001 में थी 76.1%, जो 2011 में हो गई 78.73%। महिलाओं की बात करें तो 2001 में साक्षरता दर थी 50.3, जो 2011 में हो गई 59.24। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो जबलपुर में है 81.0%, इंदौर की बात करें तो इंदौर दूसरे नंबर पर 80.87%, भोपाल की बात करें तो 80.37%, बालाघाट की बात करें तो 77.9%, ग्वालियर की बात करें तो 76.65%। तो याद रखिए, जबलपुर पहले नंबर पे, दूसरे पे इंदौर, तीसरे पे भोपाल, बालाघाट, फिर है पाँचवें पे ग्वालियर। न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो अलीराजपुर पहले नंबर पे है, फिर है झाबुआ, उसके बाद फिर है बड़वानी, फिर है शिवपुर, फिर है धार। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले जिलों की बात करें तो अलीराजपुर न्यूनतम साक्षरता, न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिलों की तो अलीराजपुर, फिर झाबुआ, बड़वानी, धार और शिवपुर। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वालों की जिलों की बात करें तो जबलपुर में सबसे ज़्यादा है, फिर इंदौर, भोपाल, बालाघाट और भिंड। ठीक है, सर्वाधिक महिलाओं की बात करें, सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाले जिलों की बात करें तो भोपाल में सबसे ज़्यादा है महिला साक्षरता दर, जबलपुर में है दूसरे नंबर पर, तीसरे पर है इंदौर, चौथे पर है बालाघाट, पाँचवें पर है ग्वालियर। न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों की बात करें तो अलीराजपुर, झाबुआ है, फिर बड़वानी है, फिर शिवपुर है और फिर है सिंगरौली। ठीक है, अब बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर। जनसंख्या वृद्धि दर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण की कोशिश का परिणाम 2011 की जनगणना में जनसंख्या वृद्धि दर में आई कमी से के रूप में दिखाई दे रहा है। 2001 की जनगणना के मुकाबले 2011 में प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि की दर लगभग 4% की कमी आई है। वर्ष 2001 में यह 24.3% था, जो 2011 में 20.3% रह गई। अर्थात बीते एक दशक में जनसंख्या वृद्धि दर में 3/6% की कमी आई है। दशकीय सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर की बात करूं तो इंदौर 32.9%, झाबुआ 30.7%, भोपाल में 28.6%, और सिंगरौली की बात करें 28.28% है,
बड़वानी की है 27.6%। तो 10 की है सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई इंदौर में 32.9%। ठीक है, न्यूनतम 10 की है जनसंख्या की वृद्धि की बात करें तो अनूपपुर में 12.3, बैतूल में 12.9, छिंदवाड़ा में 13., मंदसौर में 13.2, बालाघाट में 13.6। अब बात करते हैं हम लोग शहरी ग्रामीण जनसंख्या के बारे में, किसमें शहरी व ग्रामीण जनसंख्या। जनसंख्या के ताजे अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की कुल जनसंख्या 7.25 करोड़ में 5,25,57,404 लोग ग्रामीण क्षेत्र से हैं, जबकि 2,69,405 लोग शहरों में निवास करते हैं। 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश की 72.37% जनसंख्या गाँव में निवास करती है, कितनी 72.37%, जबकि 27.63% जनसंख्या शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है इंदौर, जबकि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला है रीवा। कुल ग्रामों की संख्या है 54,903। आगे देखते हैं, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो इंदौर है, फिर उसके बाद भोपाल है, जबलपुर है, फिर ग्वालियर है, उज्जैन है। न्यूनतम शहरी वाले जनसंख्या वाले जिलों की बात करें तो डिंडोरी 6.46%, अलीराजपुर 7.8%, सीधी और फिर है झाबुआ, फिर है सिवनी। सर्वाधिक नगरीकृत जिलों की बात करें तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन है। अब बात करते हैं अनुसूचित जाति के बारे में। अनुसूचित जाति जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति है 1,13,42,320, कितनी है 1,13,42,320, जिसमें पुरुष हैं 59,08,638 और महिलाएं हैं 54,33,668, जो राज्य की कुल जनसंख्या की 15.6% है। देश के सभी राज्य संघीय क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का 8वां स्थान है। ठीक है, 8वां स्थान है, याद रखिए। जबकि अनुसूचित जाति का प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश 17वें नंबर पर है। याद रखिए, SC यानी कि अनुसूचित जाति के जनसंख्या के मामले में मध्य प्रदेश 8वें स्थान पर है सभी राज्यों और संघीय क्षेत्रों में, और प्रतिशत की दृष्टि से हैं 17वें स्थान पर। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला है झाबुआ। ठीक, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला है SC वाला उज्जैन। याद रखिए, उज्जैन में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति है, फिर दतिया, टीकमगढ़, शाजापुर, छतरपुर, और न्यूनतम अनुसूचित जाति की बात करें तो झाबुआ, अलीराजपुर, मंडला, डिंडोरी, बड़वानी है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या वाले जिलों की बात करें तो इंदौर, ये प्रतिशत में था याद रखना। ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत के मामले में वो जनसंख्या में इंदौर है पहले नंबर पर, फिर उज्जैन, सागर, मुरैना, छतरपुर। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की संख्या 1,53,16,784 है, जिसमें पुरुष हैं 77,19,406 और महिलाएं हैं 75,97,380। तो याद रखिए, कितनी जनसंख्या है अनुसूचित जनजाति की मध्य प्रदेश में 1,53,16,784।
जो राज्य की कुल जनसंख्या की 21% है, 21.1%। देश के सभी राज्यों संघीय क्षेत्रों में अवरोही क्रम में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का शीर्ष स्थान है। मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है जनसंख्या के मामले में, अनुसूचित जनजाति के मामले में। ठीक, बात करते हैं हम, और जबकि अनुसूचित जनजाति प्रतिशत के संदर्भ में मध्य प्रदेश का 13वां स्थान है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला है भिंड, 6131 अनुसूचित जनजाति वाला। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिले हैं संख्या में धार, याद रखिए जनसंख्या की बात कर रहे हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले हैं संख्या में धार, उसके बाद बड़वानी, फिर है झाबुआ, छिंदवाड़ा और पश्चिमी नेवा। अब सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले जिले की बात करें प्रतिशत में, अभी जनसंख्या में धार है सबसे पहले नंबर पर, और अनुसूचित जनजाति के मामले में प्रतिशत के मामले में है अलीराजपुर पहले नंबर पर, फिर है उसके बाद झाबुआ, फिर है बड़वानी, डिंडोरी, मंडला। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की बात करें प्रतिशत में तो भिंड है, फिर उसके बाद मुरैना, दतिया है, मंदसौर है और साजापुर। अब बात करते हैं विभिन्न धर्मों के बारे में, विभिन्न धर्मों को देखते हैं। तो हिंदू की बात करें तो जनसंख्या है 94% हिंदू है। राज्य का देश में स्थान है चौथा। इसमें साक्षरता दर हिंदू में 62.8%। सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, याद रखना, 94%। मुस्लिम की बात करें तो 3.2% है, 21वें नंबर पे, ठीक है, देश में 70.3% है साक्षरता दर। जैन की बात करें तो जैन है 0.9%, चौथा स्थान है राज्य का देश में, ठीक है, और इसकी साक्षरता दर है जैनों में 96.2%। बौद्ध की बात करें तो 0.3% है, 10वें नंबर पर है देश में, ठीक है, जनसंख्या में 74.4% है इनकी साक्षरता दर। ईसाई की बात करें तो 0.2% है, 23वें नंबर पर, और 85.8% इनकी साक्षरता दर है। सिख की बात करें तो 0.2% है, 82.9% साक्षरता है इनमें, और अन्य है 0.30%, ठीक है। तो ये था हमारा जनसंख्या मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, और भारत की जनसंख्या के बारे में हम लोग जनगणना 2011 के अनुसार बना चुके हैं, तो उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे, वहाँ जाके देख सकते हैं। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे संभाग और जिलेवाइज अध्ययन के बारे में, ठीक है, आगे देखेंगे।